ओके, हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर बिंती दुआ फ्रॉम एडवांस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पलवल हरियाणा. फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक सोमू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई रियली एप्रिशिएट हिज एफर्ट्स कि उन्होंने इस लॉकडाउन में भी अपने हमारे समक्ष इतनी सारी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ हमारे साथ में बहुत सारी चीज़ें रखी और हमें इस काबिल बनाया कि हम बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर सकें और उनसे कुछ ना कुछ सीख सकें. सब जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट हिज एफर्ट्स. नाउ माय टॉपिक इज माइंडफुलनेस इज अ पाथ फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस. ये टॉपिक जो मैंने चुना वो इस बात को ध्यान में रखा कि किस तरह से आजकल जो हम टाइम देख रहे हैं, जो आज का सिनेरियो देख रहे हैं, उसमें स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो सबको हो जाती है. जबकि मतलब हम ये मानते हैं कि स्ट्रेस इज इनएविटेबल. जो जितने भी महर्षि हैं या कोई बहुत बड़ा थिंकर है, कोई भी है, कोई योगी है, सबको कुछ ना कुछ स्ट्रेस है. बट उस स्ट्रेस का जो आप देखेंगे रेशियो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है. कभी जो स्ट्रेस है वो किसी को बहुत ज़्यादा हो जाता है और कभी किसी को स्ट्रेस बहुत कम होगा. बट अगर हम बात करें यहाँ पर स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस जो होते हैं वो दो टाइप्स के हैं. एक तो गुड स्ट्रेस है और एक बैड स्ट्रेस है. तो आप ये देखेंगे जो हमारे लाइफ में जो स्ट्रेस वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये देखेंगे कि जो गुड स्ट्रेस है, जिसको कि हम यू स्ट्रेस कहते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है कुछ ना कुछ डिफरेंट करने के लिए. हमें अपने एस्पेक्ट्स को पूरा अकम्प्लिश करने के लिए, हमारे जो भी गोल्स है उसको अकम्प्लिश करने के लिए हमें मोटिवेट करता है. बट अगर हम स्ट्रेस के अलावा बैड स्ट्रेस की बात करें, गुड स्ट्रेस के अलावा, तो वो जब हमारी एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि वो बैड स्ट्रेस है. क्योंकि हम ऐसा कहा जाता है कि हमें किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होना चाहिए. अगर कोई भी चीज़ हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी तो आप ये देखेंगे कि वो बहुत, अगर लिमिट्स को क्रॉस कर जाएंगी तो वो कुछ ना कुछ हमारे लिए हार्मफुल ही रहेंगी. तो जो ये स्ट्रेस है, आप ये देखेंगे कि ये हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट रूप से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से परेशान करता है. आप ये देखेंगे कभी हेडेक हो जाता है, कुछ डिफरेंट जो बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, कभी हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है, या हमारा कभी भी कहीं मन नहीं लगता. तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हैव यू एवर सेड समथिंग यू लेटर रिग्रेटेड. क्या ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपने कभी कुछ पहले आपके ने बोला और उसके साथ ही तुरंत आप भूल गए कि आपने क्या बोला था. देन बीन सो नर्वस फॉर अ प्रेजेंटेशन दैट यू कुडंट स्लीप द नाइट बिफोर, कि आपको कल कहीं पे जाके प्रेजेंटेशन देना है, या फिर आपका कोई सेमिनार है, आपकी कोई कॉन्फ्रेंस है, आपको कोई पेपर है, और उससे एक रात पहले आप बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा आपको ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है. या फिर कभी आप किसी एक रूम में गए और आपके दिमाग में कुछ था कि आप कुछ लेने गए और वापस उस चीज को लिए बिना वापस आ गए कि आप क्या लेने गए थे. देन ऐसा भी कभी कभी होता है कि हमने कुछ किसी को मतलब कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ और बिना वजह ही हमारा माइंड बहुत अपसेट है, हम बहुत अपसेट है, हम किसी से बात नहीं करना चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, कुछ खाना नहीं चाहते. तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे साथ जो बिना समझे, बिना सोचे हमारे साथ होती रहती हैं. हम भूल जाते हैं, कभी कोई प्रेजेंटेशन है, कुछ एग्जाम है, उसको नहीं कर पाते. कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ कहा और हम सोचते रह गए कि हमने उसको क्या कहा था. तो ये सारी चीजें हमारे साथ स्ट्रेस का काम करती हैं, जो कि अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो आप ये देखिए कि वो हमारे पे बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, तभी वो बैड स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट. तो अगर अब हम यहाँ पर माइंडफुलनेस की बात कर रहे थे कि माइंडफुलनेस रिलेटेड ऐसी क्या चीज है जिससे कि हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, तो अगर हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो माइंडफुलनेस क्या है? इट्स अ अवेयरनेस, मूवमेंट टू मूवमेंट अवेयरनेस, कि आप जागरूक रहें अपने क्षण के प्रति कि आसपास क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. आपको पास्ट और फ्यूचर से
इसमें कोई मतलब नहीं है, बस आप ये जागरूक रहें कि आपके आसपास क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अवेयरनेस एंड सेकेंड थिंग इज अवेयरनेस विद एक्सेप्टेंस, कि जो जागरूकता है कि क्यों हो रहा है उसको आप एज इट इज एक्सेप्ट करें, उस क्षण को आप अपनाएं कि वो अगर हो रहा है तो किसी ना किसी रीजन से हो रहा होगा, राइट। तो जो माइंडफुलनेस क्या है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हमारी नॉन जजमेंटल अवेयरनेस को अप्रोच करता है, कि आप उसमें कुछ भी सोचे नहीं कि समझे नहीं, बट उस क्षण को वो जो मूवमेंट पे जो भी चीजें हो रही हैं उनको एज इट इज एक्सेप्ट कर लें कि जो चीजें हो रही हैं वो अच्छी हो रही है और जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। हमें यहाँ पर पास्ट को और फ्यूचर को एसोसिएट नहीं करना है। तो अगर आप ये देखेंगे कि जो हम यहाँ पर स्ट्रेस की बात कर रहे थे कि जो स्ट्रेस है, अगर आप स्ट्रेस को अगर आप उल्टा प्रोनाउंस करें तो उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। तो जो कि आप ये देखेंगे कि हमने अभी यू स्ट्रेस की बात करी थी, कि अगर हम उसको ऐसे तरह से लेते हैं कि जहाँ पे हम उन चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, बहुत खुश होकर एक्सेप्ट करते हैं, तो वो तो हमारे लिए यू स्ट्रेस है, हमें बहुत प्रेरित कर रहा है, आगे हमें बढ़ा रहा है, तो वो हमारे लिए डेजर्ट है। अगर हम उन चीजों को हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं और उन चीजों को एज इट एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अवेयर नहीं रह पाते, तो वो डेजर्ट जो है हमारे लिए स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमें स्ट्रेस को दूर करना है, अगर हम चाहते हैं कि वो स्ट्रेस हमारे साथ ना हो और उसको हम यू स्ट्रेस तक ही रहने दें, क्योंकि जो मॉडरेट लेवल स्ट्रेस है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। पर अगर वो जो मॉडरेट लेवल स्ट्रेस है वो हाई स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पर हमें माइंडफुलनेस से रिलेटेड प्रैक्टिसेस की जरूरत पड़ती है, वहां पर हमें माइंडफुल प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि माइंडफुलनेस क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये जो माइंडफुलनेस है वो बुद्धिज्म के टाइम से स्टार्ट हुई थी। और जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने बताया कि जो हमारा माइंड है वो दुख और सुख दोनों का कारण हमारा माइंड ही है। आप ये देखिए कि जो जॉय और मिजरी है, जो दुख है, वो सिर्फ हमारे माइंड से रिलेटेड है। जैसा हमारा माइंड उन चीजों को एक्सेप्ट करता है, अगर हमारा मस्तिष्क इसे एक्सेप्ट कर लेता है कि खुशी है हमारे आसपास, तो हम उसको खुशी की तरह लेते हैं। अगर हमारा मस्तिष्क इसे एक्सेप्ट करता है कि हमारे आसपास दुख है, तो हम उसको दुख की तरह लेते हैं। और इन चीजों में हमारी चेतनता जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क करती है। और ये जो चेतनता है वो हमारे द्वारा हमारा इंट्रोस्पेक्शन करती है कि हम क्या हैं और क्या नहीं है, और वहीं से सारी चीजें ओरिजिनेट होती हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो माइंडफुलनेस है वो, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि वो साइकोलॉजिकल एक स्टेट है, एक अवेयरनेस की स्टेट है, जो कि आप ये देखेंगे कि वो प्रमोट करती है अवेयरनेस को और हमारी जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को प्रमोट करती है। ये जो माइंडफुलनेस वर्ड है वो पाली भाषा के साती वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग है अवेयरनेस, अटेंशन एंड रिमेम्बरिंग। तो अवेयरनेस क्या है, जागरूकता, अटेंशन कि आप उस टाइम पे अटेंटिव रहिए कि उस क्षण में आपके साथ क्या हो रहा है और वो क्षण आपके लिए कितना अमूल्य है, क्योंकि बोला जाता है कि अगर टाइम एक बार निकल गया तो वो कभी वापस नहीं आ सकता, वो जो एक टाइम पल निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आएगा। तो उस क्षण की महत्ता को समझते हुए हमें उस क्षण को अपने साथ रखना है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। देन अगर हम कंटेम्प्रेरी बुद्धिज्म की डेफिनेशन देखें, कीपिंग वंस कॉन्शियसनेस अलाइव टू द प्रेजेंट रियलिटी, तो जो भी रियलिटी है वही हमें बताती है कि क्या हमारे साथ हो रहा है। और एक्चुअली में जो रियलिटी है वही आप ये देखेंगे, वही जो है, जो सच्चाई है वही हमारे सारे चीजों का कारण है, क्योंकि हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे कि जो आप आपने सबने देखा होगा कि जो महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस टाइम पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे जिनको गीता के उपदेश कहते हैं। तो वहां पर अर्जुन जो थे उस मोमेंट पर इस चीज से उनका जो कर्म था उससे वो पीछे हट रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि आगे क्या होगा, फ्यूचर पास्ट में क्या था, कि पास्ट में वो सब मेरे रिलेटिव थे और आगे फ्यूचर में वो नहीं रहेंगे तो मैं उन पे वार कैसे कर सकता हूँ। तो वहां पर उस क्षण की महत्ता को श्री
कृष्ण ने गीता के प्रवचन के द्वारा समझाया था अर्जुन को कि उनका कर्म क्या है। तो उसी तरह से जो वो जो मूवमेंट है और जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, उसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि जो रियलिटी है वही हमारे सुख और दुख का कारण रहती है, वहीं से सारी चीजें ओरिजिनेट होती है और वहीं पर सब चीजें लीन हो जाती हैं रियलिटी से, क्योंकि हम सच्चाई को ही एक्सेप्ट करने से घबराते हैं। तो जब हम उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस क्षण को हम जैसा वो क्षण है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो जो हमारे माइंड में जो अराइज हुए हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हुए हैं, वो वहीं पर सेटिस्फाइड हो जाएंगे। देन द क्लियर एंड सिंगल माइंडेड अवेयरनेस, जो कि हमें ये बताता है कि आप सजग रहें और जो भी आपके परसेप्शंस हैं उनको एक साइड में रखकर आप उन सारी चीजों को एसोसिएट कर लें जो कि आपके उस मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ अवेयरनेस ही आपकी इम्पॉर्टेंट है कि उस टाइम पर आपके साथ क्या हो रहा है और आप उस टाइम पर उसके लिए कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप ये देखेंगे कि ऐसा होता है जब हम माइंडलेस एफर्ट्स करते हैं, तो जैसे ही कुछ स्टिमुलस आया हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसका तुरंत आंसर करते हैं, और जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम उस स्टिमुलस जब आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम उस पर माइंडफुली सोचते हैं, उसके बाद हम उसको उसमें से चूज करते हैं कि क्या ऑप्शन सही रहेगा, उसके बाद हम रिएक्ट करते हैं। तो इमीडिएट रिएक्ट ना करके आप उस प्रॉब्लम को समझें, सोचें कि क्या है, और उसके बाद उसको चूज करके, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी प्रॉब्लम का कोई एक ही ऑप्शन आंसर निकलेगा, आपको उसके बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। हमें उसको चूज करना है कि माइंडफुली चूज करना है कि क्या चीज हमारे उस क्षण के अकॉर्डिंग जरूरी है, और उसके बाद ही हम उसको उसके लिए रिस्पॉन्स करें। क्योंकि होता क्या है, स्ट्रेस तभी अराइज होता है और प्रॉब्लम्स तभी अराइज होती हैं कि क्योंकि हम उस क्षण की महत्ता को ना समझते हुए हम इमीडिएट रिएक्ट करते हैं, हम ये समझ ही नहीं पाते कि प्रॉब्लम क्या है और हमारा रिएक्शन पहले हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए अवेयरनेस को, जो जागरूकता है, अटेंशन है, रिमेम्बरिंग है, इसीलिए इसको फोकस किया जाता है माइंडफुलनेस में, कि हम इन चीजों को समझें और उसके बाद उस चीज को रिएक्ट करें। तो अगर हम माइंडफुलनेस की, जैसे मैंने अभी बताया कि जो गौतम बुद्ध थे उनके टाइम से माइंडफुलनेस जो स्टार्ट हुआ था, और तो जो बुद्धिज्म के टाइम में से ही ये फैला था, बट 1974 में कबैत जिन ने इसको अराइज किया, और जो कि यूनिवर्सिटी एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में एक जो माइंडफुलनेस रिलेटेड प्रोग्राम बनाया, जिसको कि MBSR बोला जाता है, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम, जो कि बताता है कि बॉडी और माइंड को हम एक साथ कनेक्ट करके कैसे हेल्दी और हीलिंग के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हमें बॉडी और माइंड को एक साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको उन दोनों को एक साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, एक साथ अलाइन करना पड़ेगा, और तभी आप उसको हेल्दी लाइफ के लिए और अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स को अपने आप हील करने के लिए आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट वेज बताए, एक तो अटेंशन हेयर एंड नाउ, कि अभी क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, दूसरा परसीविंग प्रेजेंट मोमेंट इन काम एंड क्लियर मैनर, जो भी आपके सामने हो रहा है उसको बहुत आराम से ध्यान से सुनिए और तब रिएक्ट करिए, और जो भी आप आसपास देखते हैं उनमें कुछ भी आप अनबायस्ड होकर उसको स्वीकार करिए, आप उसमें अपने माइंडफुल रिएक्शंस की, जो माइंडलेस रिएक्शंस की, उसमें आप बायसनेस ना क्रिएट करके अनबायस्ड होकर आप उसके लिए वर्क करें, तभी हम माइंडफुल रह सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि माइंडफुलनेस जो है वो फ्लेक्सिबल स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें कि आप अपने माइंड को एक साथ एसोसिएट कर सकते हैं और किसी भी अच्छे काम के लिए, कुछ बेटर करने के लिए आप उसको ले सकते हैं। बट अगर आप माइंडलेस रहेंगे तो आप क्या हो जाएगा, वी बिहेव, हम इस तरह से बिहेव करते हैं अकॉर्डिंग टू द पास्ट एंड नॉट इन द प्रेजेंट, सो वी बिहेव इन द प्री डिटरमाइंड बिहेवियर, द प्रेजेंट मोमेंट इज फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस, इफ यू आर अटेंटिव यू विल सी इट। अगर आप ये देखेंगे, हमें लगता, अगर आप किसी मोमेंट में जॉय और हैप्पीनेस को देख पाते हैं तो वो आपको जॉय और
हैप्पीनेस से रिलेटेड मिलेगा, बट अगर आप उसकी अटेंटिवनेस को, और अगर आप अटेंटिव नहीं है तो आप उस जॉय और हैप्पीनेस को फील ही नहीं कर पाएंगे। और ऐसा भी बहुत सारी सिचुएशन में होता है दैट वी थिंक वी आर माइंडफुल एंड वी आर एक्टिंग लाइक माइंडफुल, बट वी आर माइंडलेस दैट टाइम बिकॉज वी एसोसिएट अवर पास्ट एंड डिफरेंट अदर रिएक्शंस विद इन इट। सो वी हैव टू वर्क विद माइंडफुल, नॉट माइंडलेस। इफ वी वर्क विद माइंडफुल थिंकिंग एंड इफ वी वर्क विद माइंडफुल नेचर, देन वी कैन arrange and we can enjoy the this joy and happiness with full association. Then अगर आप ये देखें कि mindfulness जो है, अगर हम ये देखें कि mindfulness क्या है और कैसे work करता है, तो there are 9 foundations of mindfulness which we can choose and work accordingly. So क्या 9 इसके फाउंडेशंस हैं, अगर हम उसको एक बार समझ लें तो हम अपने लाइफ में उस माइंडफुलनेस रिलेटेड प्रैक्टिसेस को एसोसिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज नॉन जजिंग। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक्चुअली में हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम कितना उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। और अगर हमारे पास, क्योंकि आप देखेंगे डिफरेंट रोज नई नई चीज़ें आती हैं और नई नई चीज़ें हमारे साथ होती हैं, तो हमें उन सिचुएशंस में कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि हमें न्यूट्रल रहना पड़ता है। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे कि आपके साथ हमेशा आपको लगता है कि आपके साथ बैड थिंग्स हो रही हैं और आप उन चीज़ों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, आप उन चीज़ों को अगर वहीं पर छोड़ देते हैं तो आप उन चीज़ों से दूर हो जाएंगे। बट अगर आप उन चीज़ों को अपने साथ लेकर चलेंगे, अगर आप उनको जज करते रहेंगे कि ऐसा हुआ, पहले ऐसा हुआ था, बाद में ऐसा होगा, और उसको आप अपने साथ एसोसिएट करेंगे, अपनी लाइक्स और डिसलाइक को उसके साथ डालेंगे, तो आप उन मोमेंट पर कभी भी खुश नहीं रह सकते, आप हमेशा स्ट्रेसफुल रहेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला एस्पेक्ट यही है कि आपको नॉन जजिंग रहना पड़ेगा। आपको उन चीज़ों को जज ना करके आप सिर्फ लेट इट गो वाली सिचुएशन में रहे। अच्छी है तो उसको एज इट इज एक्सेप्ट करिए, अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उनको जाने दीजिए। दूसरा, पेशेंस, कि यहाँ पर आपको धैर्य की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंस इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ विजडम। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको धैर्य बहुत ज़रूरी है रखना, क्योंकि जो भी चीज़ें जल्दी कर खराब होती हैं, अगर आप चीज़ों को समझ कर, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि स्टिमुलस आया, आपके पास कोई प्रॉब्लम अराइज हुई, तो आप उस टाइम पर सिर्फ ये ना सोचे कि हमें इसके लिए रिस्पॉन्स करना है, आप उसको ये भी सीखिए कि आपको कैसे उसके साथ आगे एसोसिएट होना है और उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे आप चूज करके उसका सोल्यूशन निकालेंगे। देन थर्ड थिंग इज बिगिनर्स माइंड, कि हमेशा हमें जब भी हम कहीं पर भी हैं वहां पर हमें एक ऐसे इस तरीके से रहना चाहिए, जो भी चीज हमारे सामने हमें उसको एज इट इज एक्सेप्ट करनी है। तो आप लोगों ने एक सुना हुआ होगा टेबुला रासा, कि हमारा जो माइंड है क्लीन स्लेट की तरह, अगर उस पर कोई भी कुछ लिख दे तो हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वहीं पर हम खुश रह पाएंगे अगर हम उन चीजों को एज इट एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपका माइंड पहले से ही फुल है और उसमें बहुत भरी हुई है तो आप उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो हमेशा जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं, रोज हो रही हैं, हर दिन हो रही हैं, हर मोमेंट पे हो रही हैं, तो आपको उन चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट करना है, लाइक अ बिगनर्स माइंड, कि आपके पास जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी आपके साथ हो रहा है, उसको आप एज इट इज एक्सेप्ट करिए। एंड फोर्थ थिंग, फोर्थ फाउंडेशन इज ट्रस्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है, आप सबको पता है कि ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर, है जहां पर सच्चाई है वहां पर हम सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस यू आर प्रैक्टिसिंग टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बीइंग योरसेल्फ एंड लर्निंग टू लिसन टू एंड ट्रस्ट योर ओन बीइंग। सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। It's a vital key to become mindful that everyone should trust the inner strength and energize the potential of one. पहले आपको समझना चाहिए कि आप खुद क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं और क्या क्या अच्छाइयां हैं जो आपके अंदर एनर्जी है।
क्योंकि सब सब चीजें हमारे खुद के अंदर ही हैं और हम उन चीजों को बाहर हमें निकालना है। ठीक है, तो अब आप उसके लिए कैसे वर्कआउट करेंगे? तो अगर आपकी कुछ मिस्टेक्स हो भी जाती हैं, तब भी आप उन चीजों को देखें कि कहाँ पे आपकी गलतियां हैं और कहाँ परेशानियां, और उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं। दिस मेक्स लाइफ ईजियर बाय प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस एवरी डे। तो तभी आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे, तभी आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर पाएंगे जब आपके साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई होंगी। देन नॉन स्ट्राइविंग, मैन इज अ सोशल एनिमल, ऑलवेज इन द डायनेमिक स्टेट। हम हमेशा एक किसी ना किसी खोज में, किसी ना किसी चीजों को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू फॉर अ पर्पस। कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ भी काम करने के लिए कोई ना कोई पर्पस होता है। बिना पर्पस के हम ये लेक्चर भी नहीं सुन रहे होते और ना ही ये लेक्चर हो रहा होता। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई चीजें उसी वजह से करते हैं जो हमें लगता है कि वो चीज हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। तो आप ये देखिए कि अगर अगर हम कोई भी काम जब कर रहे हैं तो उसको अवेयरनेस के थ्रू, अटेंशन के थ्रू करेंगे तो हम वहां पर अपने उस जो हमारा गोल है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। बट अगर हम ऐसी चीजें करेंगे कि हम हमेशा क्रिटिसिज्म करें और कहीं ना कहीं सबकी बुराइयां करें और किसी ना किसी गलत चीजों में जुड़े रहें, तो आप हमेशा पेन फील करेंगे और उस फील जो पेन है उसको आप आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अगर हमें आप ये देखिए कि अगर हमें कुछ भी फ्रेम ऑफ माइंड करना है तो आपको हमेशा पीस की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं तो उन चीजों को अपने साथ जोड़िए और उसको हमेशा बनाए रखिए। देन एक्सेप्टेंस, जो नेक्स्ट फाउंडेशन है वो है एक्सेप्टेंस, कि जो भी हमारे सामने चीजें आ रही हैं, जैसे हमने पहले भी बताया, उनको आप एज इट इज एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। माना कि हमारे जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी एक सुख का समय आता है, कभी दुख का समय आता है, क्योंकि जैसे कि क्योंकि हमारे जो नेचर रहती है, तो जो भी चीजें जैसी है उसको हमें एक्सेप्ट करना है। कभी हमारे टाइम पर एक टाइम ऐसा मूवमेंट ऐसा होगा जब बहुत अच्छी चीजें भी होंगी और कभी ऐसी चीजें होंगी जो हमारे हम जिसको हमारे लिए अच्छी नहीं होंगी, बट उस टाइम को भी हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे को आगे के लिए बहुत कुछ सिखा जाती है, राइट? तो अगर आप उस चीज को उस तरह से लेकर रहेंगे कि हमें जो मूवमेंट है, जो हमारे पास सिचुएशन है, उसको एक्सेप्ट करें, तो आप ये देखिए कि माइंड समझ कर एक्सेप्ट करेंगे कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट ही देने वाली है, तो हम बड़े खुश रहेंगे उन चीजों से। देन नेक्स्ट इज लेटिंग बी, कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जब हमें चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, कि ठीक है अगर हमारे साथ ये चीज हो रही है तो हमें उनको कभी छोड़ना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम उनको हमेशा साथ लेकर चलेंगे। जैसे सपोज कभी किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए, कहीं कोई करियर अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो गई, तो ऐसा लगता है उस मोमेंट पे कि बहुत सारी चीजें बुरी हुई और बहुत सारी चीजें हमसे निकल गई। बट यस, अगर क्या पता उससे बेटर अपॉर्चुनिटी हमारे पास कोई होगी, इसीलिए वो चीज हमारे साथ से चली गई, तो उस चीज को हमें वहीं पर छोड़ देना चाहिए। अगर हम उनको अपने साथ ले आएंगे, अपने साथ लेकर चलेंगे, तो आप ये देखेंगे कि वो चीजें अगर हमारे साथ रह जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो एडवर्स इफेक्ट डालेंगी, और एक्चुअली में वो किसको अराइज करेंगे, वो स्ट्रेस को अराइज करेंगे। तो जहां पर हम इन चीजों को छोड़ देते हैं, जैसी है उनको वैसे ही रहने देते हैं, तो अगेन हम उस चीज से बड़े दूर होकर एक नए पाथ की तरफ चल देते हैं। देन अगर हम ये बात करते हैं कि माइंडफुलनेस जो है वो कैसे हम उसको, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि हमारा एक प्रोफेशन ऐसा है, हम टीचर्स की यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कि टीचर्स को अगर हम देखें और स्टूडेंट्स को देखें, तो जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। भाई बच्चों को बहुत स्ट्रेस रहता है, कभी एग्जाम्स की वजह से, कभी आप देखेंगे मार्क्स की वजह से, कभी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कभी घर से प्रेशर, बहुत सारी चीजें वो नहीं ले पा रहे या उनकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो नहीं मिल पा रही उनको, तो बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रेस होते हैं। और ऐसे ही टीचर्स के साथ बहुत डिफरेंट स्ट्रेस आप देखेंगे कि एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं हम टीचर्स के सामने, क्योंकि
जिस तरह से सिनेरियो है, अगर आप अभी की हम बात करें तो अभी जो लॉकडाउन चल रहा है और उसमें जो ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, तो आप देखेंगे कि जितने भी टीचर्स घर हैं, ठीक है, मान लिया कि हमें स्कूल्स नहीं जाना पड़ता है, कॉलेज नहीं जाना पड़ता, बट घर से हमें काम करना है, तो वहां पर स्ट्रेस कम नहीं है, क्योंकि सिर्फ वहां पर हमें अपने प्रोफेशन को ही नहीं देखकर हमें अपनी पर्सनल लाइफ को भी देखना पड़ता है, हमें घर में भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो आप ये देखिए कि उस टाइम पर आपको बहुत सारी चीजें एक साथ मिलकर एसोसिएट करनी है और आपको एक साथ सबको लेकर चलना है, तो यहाँ पर स्ट्रेस बहुत अराइज होता है। और अभी आप देखेंगे कि ऐसे ही स्टूडेंट्स के साथ है, क्योंकि वो घर पर रह रहे हैं तो बाहर जाने को इतना नहीं मिल रहा, बहुत सारी ऐसी उनके सामने सिचुएशंस आती हैं कि बहुत सारे स्ट्रेस हो रहे हैं। तो और इस टाइम पर हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने बहुत सुना कि कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, बच्चों ने कर लिया, ये बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज थे उनका सुन रहे हैं, पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने वो जो सिचुएशन थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि हमने अभी बात कर ली कि माइंडफुल अगर हमें रहना है तो एक्सेप्टेंस, बिगनर्स माइंड, ट्रस्ट और नॉन जजमेंटल आस्पेक्ट रखना पड़ेगा, तभी हम उन चीजों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो अगर हमारे सामने, क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस हैं और इन्हीं के साथ अगर हम टीचर्स, तो स्ट्रेस जो है वहां पर भी बहुत सारा है, स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत सारा है। और अगर आप इनको हम जो बिफोर लॉकडाउन की अगर हम बात करें, तो तब उस टाइम पर क्या होता था, तब भी टीचर्स को बहुत स्ट्रेस था और स्टूडेंट्स को स्ट्रेस था, तो वो जो सारा स्ट्रेस था वो कैसे निकलता है, फिर वो सारी चीजें जो है वो बच्चों के पढ़ाने में चली जाती है, क्योंकि बच्चे उस चीजों को उतना, अगर टीचर स्ट्रेसफुल होगा तो बच्चों के ऊपर वो बहुत ज्यादा हावी होगा, और जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो सकता था वो कहीं ना कहीं उसमें बैरियर आ जाएगा। तो इन जो स्ट्रेस है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अदर, आप ये देखेंगे अदर किसी प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं, या फिर चाहे वो घर में ही रहते हैं, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरफ हर किसी को स्ट्रेस है इस टाइम पर। तो उसके लिए हमें यहाँ पर हम करेंगे कि माइंडफुलनेस को हम कल्टीवेट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू कल्टीवेट दी माइंडफुलनेस। तो उसके लिए हमें कुछ माइंडफुल प्रैक्टिसेस को वर्कआउट करना पड़ेगा, जो कोई भी कर सकता है, उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आपको स्पेशल कुछ आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको आप अपने आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो माइंडफुलनेस से रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगी, एक तो फॉर्मल प्रैक्टिस होती है और एक इनफॉर्मल प्रैक्टिस है। तो जो फॉर्मल प्रैक्टिस है वो होती है कि सिस्टमैटिक मेडिटेशन प्रैक्टिस गियर टू कल्टीवेट माइंडफुलनेस स्किल। यहाँ पर आप सिस्टमैटिक प्रैक्टिसेस करेंगे। दूसरी है कि इंटेंशनली बिगनिंग ओपन एक्सेप्टिंग और अटेंशन टू डेली लाइफ, कि आप अपने डेली रूटीन में क्या क्या काम किस किस तरह से करते हैं। तो पहले हम फॉर्मल प्रैक्टिसेस की बात कर लेते हैं कि कैसे आप फॉर्मल प्रैक्टिसेस करेंगे। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना, फॉर्मल प्रैक्टिसेस के लिए आपको 5 से 10 मिनट रोज एक ब्रेथ अवेयरनेस प्रैक्टिस करनी है, जिसमें कि आपको ब्रीथिंग से रिलेट करना है अपने आप को, कि कैसे आप ब्रीथिंग सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर करते हैं। उसके बाद आपको उस चीज का डेली रिकॉर्ड एक मेंटेन करना है, कि जब भी आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आप उस पे डेली वॉच रखिए कि उस प्रैक्टिस के टाइम आप एक रिकॉर्ड
मिनट के लिए आप ये देखें कि आपकी किस तरह से श्वास अंदर जा रही है और किस तरह से बाहर जा रही है। दूसरा एक प्रैक्टिस है कि आप कोई भी मील, जब भी आप कुछ भी खा रहे हैं, तो आप उस पे सोचते हुए और ये देखिए कि आप किस तरह से उसको चू कर रहे हैं, उसका टेस्ट क्या है और आपने उसको कैसे कैसे अंदर लिया और कैसे वो आपके मुंह में गया, उसके बाद उसने आपने उसको चू किया, उसके बाद वो अंदर गया, तो आपको ये पता चलेगा कि आप उसको किस कितनी बार चबाते हैं, कितनी बार वो आप अपने कितने देर तक आप उसको अपने मुख में रखते हैं और कितने किस तरह से वो अंदर जा रही है। तो ये एक माइंडफुल प्रैक्टिस है कि आप माइंडफुली ईट करें। दूसरा है माइंडफुल वॉक, कि जब भी आप ऐसे ही सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे टहलने जाते हैं, तो उस टाइम आप ये देखिए कि टहलते समय आप ये देखिए कि आपने कितनी वॉक करी, और उस टाइम पर जब भी आप वॉक कर रहे हैं तो आपका क्या प्रोसेस रहा आपके श्वसन का, कि आप उसको श्वास को ले पा रहे हैं या फिर, और कितने टाइम ले पा रहे हैं और कितने टाइम नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, किस तरह से अंदर गई और किस तरह से बाहर आई। तो जितनी वॉक कर रहे हैं उस टाइम पर आप किस तरह से उसके साथ चल रहे हैं। देन अगर आप कोई भी चीज, कोई भी दूसरा काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप टीवी देख रहे हैं या फिर आपने आसपास आपके क्या हो रहा है, पे अटेंशन टू वॉट यू पुट इन योर बॉडी, नॉट ओनली क्लोथ्स और नॉट ओनली दी एफर्ट्स जो कि आपके आसपास आ रहे हैं, बट आप ये देखें सिर्फ खाना ही नहीं, सिर्फ कपड़े ही नहीं, बट और चीजें देखें कि आपकी आईज क्या देख रही हैं, आसपास क्या चीजें देख रहे हैं, आप उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, आपके ईयर्स क्या सुन रहे हैं और आप उनको कैसे परसीव कर रहे हैं, तो आप क्या कौन से जो सेंसेशन है उनको फील कर पा रही है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, उनको आप माइंडफुली देखें, पढ़ें और उस चीज को अपने साथ एसोसिएट करने की कोशिश करें। इसके अलावा कोई म्यूजिक जो कि आपको बहुत पीसफुल लगता है और आप उसको सुनकर थोड़ी देर रिलैक्स कर पाते हैं और उसके दौरान आप अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। देन आप डू कपल ऑफ पेशेंस या प्रैक्टिस एक्टिविटीज ऑन रीडिंग एवरी डे, आप कुछ प्रैक्टिस जो है करें रीडिंग की, कि आप कुछ कुछ भी जो भी आपको पसंद है पढ़ना, कोई भी ग्रंथ या कोई भी कहानी या कोई भी आप नॉवल जो भी आपको पढ़ना पसंद है उसको पढ़ें और उसको माइंडफुली पढ़ें कि आपने उसको क्या पढ़ा और उसको अपने साथ एसोसिएट करें कि आप उस दौरान जब आप पढ़ रहे थे तो आपने उन वर्ड्स को कितना समझा। तो जो भी माइंडफुल प्रैक्टिसेस हैं, जो भी आपको लगता है कि आप कर रहे हैं रूटीन में, उसके साथ आप अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज को एसोसिएट कर सकते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप बर्तन धो रहे हैं, चाहे आप कपड़े धो रहे हैं, या आप नहा रहे हैं, या ब्रश कर रहे हैं, वो माइंडफुल होना चाहिए। तो आप इन प्रैक्टिसेस को अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या आपको लगता है कि आप स्ट्रेसफुल हैं, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, तो आप उस टाइम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं और उन एक्सरसाइज को करके आपको लगेगा कि हाँ, यस, रियली में हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे थोड़ा सा, उनको जो हमने अभी पहले डिस्कस करी कि नॉन जजमेंटल रह सकते हैं, लेटिंग बी रह सकते हैं, अवेयर रह सकते हैं, तो आप रियली में जो अवेयरनेस है, जो आपकी उस टाइम की सिचुएशन है, उसको आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपनी फुल बॉडी स्कैन कर सकते हैं कि आप काम रहिए, क्योंकि हमारी खुद की बॉडी ही, जैसा हमने भी बताया, अगर हम बॉडी और माइंड को एक साथ एसोसिएट कर लेंगे तो हम खुद ही हीलिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हीलिंग पावर है वो हमारी बॉडी के अंदर ही है, हम उसी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। यहाँ पर मैं सभी से कहूंगी कि 2 मिनट की हम एक ब्रेथिंग एक्सरसाइज करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम उस ब्रेथिंग एक्सरसाइज से अपने आप को, अपने बॉडी और माइंड को एसोसिएट करके स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं इस टाइम पे लाइव, वो अपनी आईज क्लोज कर लें 2 मिनट के लिए सिर्फ, और एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएं और अपनी आईज क्लोज कर लें और सिर्फ अब आंखें बंद करने के बाद इस पर ध्यान दें कि आपकी श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, और आपको किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना,
सिर्फ अपने नासिका के द्वारों पर ध्यान दें कि आपकी श्वास जो है वो अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। अगर आपको किसी भी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि आप भटक रहे हैं, तो वापस अपने आप को वहीं पर ले आइए, अपनी ब्रेथिंग एक्सरसाइज को ध्यान में रखें। कुछ भी नहीं सोचना, आपको एकदम ब्लैंक रहना है और सिर्फ आपको ये देखना है कि कैसे आपकी जो सांस है वो अंदर आ रही है और कैसे आपकी सांस बाहर जा रही है। सिर्फ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप इस पर ध्यान दीजिए कि किस तरह से आपकी श्वास अंदर जाती है और बाहर जाती है। अगर आप कहीं भी भटकते हैं तो वापस उसी सिचुएशन पे आ जाइए। कुछ भी नहीं सोचना, बस आपको सजग रहना है अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए कि आपकी श्वास अंदर आए और बाहर जाए। सिर्फ अपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए, अपने बॉडी माइंड को एक साथ कोरिलेट करके कुछ और ना आने दें, सिर्फ इसी एक्सरसाइज को करें। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर आप उसी प्रक्रिया में है अभी, तो सिर्फ देखिए कि जो शांति आपको प्राप्त हो रही है वो सबसे बड़ी शांति। अगर आपने सबने उस प्रक्रिया के दौरान अपने उस चीज को महसूस किया, अगर आपकी आंखें बंद हैं तो उस टाइम पर आप जो पीस का अनुभव कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सबसे उच्च कोटि की पीस है जो कि आपको इस टाइम पर मिल रही है। और इस टाइम आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, सिर्फ इसके अलावा कि आपकी कैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो रही है। अब आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं और आई थिंक कि इस टाइम पर आपने, अगर किसी ने भी किया है तो वो मुझे कमेंट के द्वारा बता सकता है कि कैसा फील हुआ। आई थिंक कि इस टाइम पर आप लोगों ने सबसे जो पीसफुल सिचुएशन थी उसको एक्सपीरियंस कर पाए होंगे कि कैसे आपको लग रहा था। तो अगर आप डेली बेसिस पे इन एक्सरसाइजेस को करेंगे, इनके साथ एसोसिएट होंगे, इनको कभी भी जो भी आप काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, या कोई भी अपने डेली रूटीन का काम कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अगर कभी भी आप इन चीजों को ध्यान में रखकर, क्योंकि अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माइंडफुल नेचर, अगर आप माइंडफुल रहना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे रिलैक्सिंग। मेरे को एक कमेंट आया है कि रिलैक्सिंग फील किया। तो अगर आप रियली में इन एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए भी एसोसिएट करेंगे, और अगर आप 3 बार भी डेली रूटीन में प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ भी काम करते हुए, तो आप ये देखिए कि आप माइंडफुल रहेंगे। और जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन थी, क्योंकि हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हमें लेटिंग भी करना है, हमें आप जो चीजें थी उनको छोड़ना है, उनको अपने साथ लेकर नहीं आना। तो जैसे ही आप इन चीजों को छोड़ देंगे, तो आप ये देखेंगे कि हम रियली में उस पीस को पहुंच जाएंगे, उस पीस के साथ पहुंच जाएंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। इस टाइम पर बहुत ज्यादा हमें आवश्यकता है पीसफुल जो एनवायरनमेंट है उसकी। तो आप ये देखिए कि हम जो फॉर्मल एक्सरसाइज हैं, अगर और इनफॉर्मल एक्सरसाइज हैं, फॉर्मल एक्सरसाइज को आप एक चार्ट बनाकर यूज कर सकते हैं कि आपने कब कब उस जो स्ट्रेस था उससे आप दूर हुए, और कौन सी चीजें थी उनको आप लिख लीजिए जो कि आपके माइंड में नहीं है, और उसके बाद उनको माइंड में लाना भी नहीं है आपको। दूसरे इनफॉर्मल की आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करें, अपने कॉन्शियसनेस के साथ, चेतनता के साथ, अपने जो भी आपकी जो भी सोच है उसके साथ, थिंकिंग के साथ उसको एसोसिएट करें। अपने बॉडी माइंड दोनों को एक साथ अगर आप कोरिलेट कर एक साथ रखकर काम करेंगे, तो आप ये देखिए कि आपकी बॉडी खुद ही हीलिंग जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करेगी आपके अंदर, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी। तो यहाँ पर आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, आपको बॉडी स्कैन करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है, वॉकिंग मेडिटेशन करना है, आपको माइंडफुल स्ट्रेचिंग करनी है, आपको अवेयरनेस एक्सरसाइज करनी है आपको। और कुछ भी देख रहे हैं उसको माइंडफुली देखिए, कुछ भी काम कर रहे हैं आप, कुछ म्यूजिक सुन रहे हैं उसको माइंडफुली करिए, और
जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको वहां उस टाइम के लिए भूल जाइए। अगर आप एक बार उनको भूलने की कोशिश करेंगे तो आप ये देखिए कि धीरे धीरे वो आपके साथ से दूर होती जाएंगी। जितना आप उन चीजों को याद करेंगे, जितना आप उन चीजों के साथ एसोसिएट रहेंगे, वो उतना ही आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगी। तो यहाँ पर हमें जो भी मैंने अभी तक डिस्कस किया वहाँ पर मुझे लगता है कि शायद ये यूज़फुल हो हम सभी के लिए, ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये जो एक्सरसाइजेस हैं, अगर आप इनको डेली बेसिस पे अपनाएंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। या एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ कि अगर सबको पता होगा कि दिल्ली जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहां पर एक हैप्पीनेस करिकुलम को जोड़ा गया है स्कूल्स में, क्योंकि वो इसीलिए जोड़ा गया है कि जो बच्चों का जो बर्डन है उसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हम माइंडफुल रहेंगे तो हम उसको हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये जो हमने एक्सरसाइज करी थी तो आपने देखा है कि जो स्ट्रेस है वो हमारी जो हार्मोन्स हैं उनको एसोसिएट करता है, उसके उसको बहुत ज़्यादा आप ये देखेंगे एडवर्स इफेक्ट डालता है। और अगर हम उसी स्ट्रेस को, अगर हम उसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज को अपने इमोशंस के साथ करेक्ट करें, अपने इमोशन के साथ एसोसिएट करेंगे, तो आप ये देखेंगे अगर हम बहुत अच्छी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे इमोशंस भी उससे बहुत जल्दी इफेक्ट होंगे, और जो हमारे जो सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी बॉडी में वो सिर्फ इमोशनल डिस्टरबेंस का ही, इमोशनल इनबैलेंस का ही वर्क करते हैं। तो आप ये देखिए कि जो हैप्पीनेस करिकुलम इंट्रोड्यूस किया गया दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में वो इसी वजह से किया गया कि अगर बच्चों को, क्योंकि इतना बर्डन रहता है, अगर हम कुछ टाइम ऐसा फील टाइम दें जब बच्चे फ्री रह पाए, जब बच्चे उन चीज़ों में एसोसिएट ना करें और फ्री रह पाए, तो वो एक टाइम ऐसा है जब बच्चे बहुत खुश होंगे और अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं या फिर उनका जो जो उनको अच्छा लगता है वो काम कर सकते हैं। वहाँ पर वो बच्चे माइंडफुल रहकर वो काम करते हैं, अपने स्ट्रेस को दूर रखकर उस पीस को प्राप्त करना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है। तो जो काम हमें अच्छा लगता है उसको हम करेंगे तो वो जो प्रॉब्लम्स, जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है उससे हम दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि अगर आप ये एक्सरसाइज 3 times करेंगे, 3 minutes के लिए भी करेंगे, तो आप उन चीजों को दूर कर सकते हैं जो आपके साथ हैं, आपके साथ उसमें आ चुकी हैं और आप उनको कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं या डिफरेंट डिप्रेशन की दवाइयां लेने लगते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि ये सारी पावर्स हमारे खुद के अंदर हैं जिनको कि हम दूर कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में अपने साथ एसोसिएट करना है। यहाँ पर एक जो ये प्रॉब्लम्स अभी हमने डिस्कस करी, ये एक्सरसाइज डिस्कस करी, तो यहाँ पर एक मैं लाइन बोलना चाहती हूँ इन सबके साथ जो कि स्टीफन लेविन की है गाइडेड मेडिटेशन से, मे ऑल बीइंग बी फ्री फ्रॉम सफरिंग, मे ऑल बीइंग बी एट पीस, लेट द ब्रेथ कम सॉफ्टली, लेट द ब्रेथ गो जेंटली, विशेज ऑफ वेल बीइंग एंड मर्सी ऑफ केयर एंड लविंग काइंडनेस एक्सटेंडेड टू दिस वर्ल्ड वी ऑल शेयर, may all beings be free of suffering, may all beings dwell in the heart of healing, may all beings be at peace. So, आप ये देखिए कि अगर हम ये जिस तरह का ये जो टाइम है उसमें हम यही बात करते हैं कि सभी लोग सुख को प्राप्ति करें, शांति को प्राप्त करें, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दुख हैं वो सब उनके दूर हों, और जो काइंडनेस है, लव है, केयर है, उस पूरे विश्व में वो अराइज हो, तभी, और ये जो सुख शांति है वो हमारे अंदर ही है, अगर हम उसको खोजेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो हम उन जो प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी हमारे अंदर जो बीमारियां हैं, उन सबको हम अपनी खुद की हीलिंग से दूर कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह की प्रैक्टिसेस को अपने डेली रूटीन में डालना, तो आपको एक टाइम पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके साथ ही अगर आप इसको डेली रूटीन में लाना चाहते हैं तो आप एक बार करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद ही मोटिवेट होंगे उसको दोबारा से करने के लिए।
मैं इसी के साथ ये चाहती हूँ कि आप सब इस माइंडफुल प्रैक्टिस को अपने डेली रूटीन में एसोसिएट करें और अपने जो आपका जो लाइफ का एक अगर आपका एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं या जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या आपको लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं कर पा रहे सिर्फ स्ट्रेस की वजह से, तो कुछ टाइप ऑफ स्ट्रेस को जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि हम उसको यूज स्ट्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको डेजर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ को हम इस माइंडफुल प्रैक्टिसेस से क्योर कर सकते हैं. सो ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग बाय स्वामी विवेकानंद. सो इसी के साथ मैं अपना ये जो लेक्चर है, जो ऑनलाइन सेशन है, उसको समाप्त करती हूँ. थैंक यू.